लाइजोफिल्स, वो उसके बाद आपने कहा कि यार ये जो मैक्रोफेज है, ये सारे के सारे जो सेल्स होंगे वो किधर से प्रोडक्शन होगी, उनकी लैम्फोइड स्टेम सेल से नहीं होगी बल्कि उनकी प्रोडक्शन आपके माइलॉइड स्टेम सेल से होगी। क्यों? क्योंकि लैम्फोइड स्टेम सेल से जो प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुकी है वो बी सेल की हो चुकी है, टी सेल की हो चुकी है और नेचुरल किलर सेल्स की हो चुकी है। अब देखिए, हम लोगों ने ये देखना है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सारे के सारे जो सेल्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन आपके माइलॉइड स्टेम सेल से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, अगर आप देखो कि माइलॉइड स्टेम सेल से आपका एक सेल्स की प्रोडक्शन होती है जिसका नाम होता है, आपने कहना है, एरिथ्रोब्लास्ट। कोई भी सेल की प्रोडक्शन जब होती है उससे पहला वो जनाब आपके एक इमेच्योर सेल के अंदर चेंज होता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट सेल्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल जब आपके आरबीसी की प्रोडक्शन होगी या एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन होगी, तो इससे पहले वो एक इमेच्योर सेल के अंदर चेंज होता है जो कि आपका कहलाता है एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, तो आपने कहा कि माइलॉइड स्टेम सेल्स जो होंगे ये क्या पैदा करेंगे, ये पैदा करेंगे एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें, एरिथ्रोब्लास्ट पैदा हो गया, ये एरिथ्रोब्लास्ट क्या पैदा करता है, ये एरिथ्रोब्लास्ट आपका एरिथ्रोसाइट पैदा करता है। अब इसके नतीजे में आपका एरिथ्रोसाइट पैदा हो गया। अब इसके बदले में जब एरिथ्रोब्लास्ट पैदा करता है ना एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट पैदा करने से पहले ये एक और सिस्टम के अंदर भी चेंज होता है जिसका नाम होता है रेटिकुलोसाइट्स। ठीक हो गया, तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, पहले रेटिकुलोसाइट बनता है उसके बाद एरिथ्रोसाइट बनता है। मतलब आप इस तरह देख सकते हो कि हाँ जी जनाब, जब आपका एरिथ्रोब्लास्ट होता है तो एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनता होता है, एरिथ्रोब्लास्ट से आपका रेटिकुलोसाइट बन गया और उसके बाद रेटिकुलोसाइट से क्या बनता है, आपका आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट बन गया। अब देखें कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के अंदर आपके अनीमिया हो गया है, उसको खून की कमी है, तो उसके बदले में आपकी जो बोन मैरो होगी वो एरिथ्रोब्लास्ट की जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा करेगी कि कम करेगी, शाबाश ये बताइएगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर हीमोलाइसिस हो रही है, उसका सेल टूट रहे हैं, तो इसके नतीजे में आपके जो आरबीसी हैं वो जनाब आपकी एरिथ्रोब्लास्ट की जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी। जब आपके एरिथ्रोब्लास्ट की जो प्रोडक्शन होगी वो जनाब आपकी ज्यादा होती है, तो हमने क्या देखना है कि आपके रेटिकुलोसाइट्स की काउंट जो है वो भी ज्यादा होगी, आपके इमेच्योर पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर आपके एरिथ्रोसाइट्स की सॉरी रेटिकुलोसाइट के जो काउंट है वो 0.2 से लेके 2% तक होनी चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा अनीमिक है, तो अनीमिक पेशेंट के अंदर आपके रेटिकुलोसाइट्स की जो काउंट होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट के अंदर बोन मैरो एज अ रिस्पांस काम कर रही है। तो ऐसे बंदे के अंदर जब आपकी जो रेटिकुलोसाइट्स की जो प्रोडक्शन होगी जब वो ज्यादा होगी, तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं आपकी गुड बोन मैरो। ठीक है, ये आप आगे जाकर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यहां पे ऐसे एक पॉइंट आ रहा था, वो मैंने कहा चलो मैं बता दूं। समझ आ गई है कि आपके आरबीसी की प्रोडक्शन कैसे होती है, एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन कैसे होती है। पहले आपका एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, फिर रेटिकुलोसाइट बनता है और उसके बाद आपके आरबीसी बनते हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने ये देखना है कि हाँ जी जनाब, यहाँ तक जैसे आपका कवर हुआ, आपने ये कहना है कि हाँ जी यहाँ पर मैंने क्या कहा था, किन के नाम मैंने सैंपल लिखे थे, मैंने जो नाम सैंपल लिखे थे मैंने कहा था कि आपका एरिथ्रोसाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा कि आपके प्लेटलेट्स हो गए, क्या हो गए आपके, एक तरह के प्लेटलेट्स हो गए। फिर मैंने कहा कि न्यूट्रोफिल, अजीनोफिल्स और बेजोफिल्स हो गया। फिर मैंने कहा कि मैक्रोफेज हो गया। ठीक है, कि ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, माइलोइड स्टेम सेल से पैदा होते हैं। तो आप देखो कि सबसे पहले द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज एरिथ्रोसाइट। हमने वो देखी कि कैसे होती है। अब हम आते हैं प्लेटलेट से। बच्चों एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं वो जनाब आपके एक तरह के वेजिकल्स होते हैं। समझ आ रही है? ये जो वेजिकल्स हैं ये आपके बनते किससे हैं, ये एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक हो गया, तो आपने कहना है कि सबसे पहले आपके जब भी प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होगी तो इसके नतीजे में जो सेल्स जो पैदा होते हैं उनको आपने कहना होता है कि ये जो बनता है उसको आपने कहना मेगा कैरियोब्लास्ट। क्या होता है, एक तरह का मेगा कैरियोब्लास्ट, आपका मेगा कैरियोब्लास्ट बना। ये मेगा कैरियोब्लास्ट जो होता है वो चेंज होता है मेगा कैरियोसाइट के अंदर। किसके अंदर चेंज होता है, आपके एक तरह का मेगा कैरियो
साइट के अंदर। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट होता है उसके बाद ये प्लेटलेट्स के अंदर चेंज होते हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये जनाब आपके वेजिकल्स हैं मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर जो मौजूद होते हैं आपके जो प्लेटलेट्स हैं, समझ आ रही है। तो प्लेटलेट्स कैसे पैदा होते हैं, प्लेटलेट्स पैदा होते हैं कि जब मेलॉइड स्टेम सेल्स होता है उसके अंदर से मेगा कैरियोब्लास्ट सबसे पहले बनता है। जब मेगा कैरियोब्लास्ट सबसे पहले बनता है तो उसके नतीजे में मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं। जब मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं तो फिर आपने ये कहना होता है कि आपके जो हैं वो जनाब आपके प्लेटलेट्स बन गए। अब जो प्लेटलेट्स हैं, अब जो आरबीसी हैं, इनका काम क्या है, किस तरह ये इफेक्ट करते हैं, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है वो जनाब देख ले। शाबाश। हाँ जी ओके। अब देखें यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने ये देखना है कि हमने अब कहाँ आ गए, अब हम आ गए हैं जनाब आपके न्यूट्रोफिल की तरफ, आपके एसिनोफिल की तरफ, आपके बेसोफिल की तरफ। ठीक हो गया, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। जब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, अगर आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी उसके अंदर भी उन्होंने डिटेल बेस में लिखा होगा। और हम क्या नाम देते हैं, हम इनको कहते होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या कहते हैं आपके, क्या एक तरह का ग्रेन्यूलोसाइट्स है। तो आपने ये कहना है कि जो हम दूसरा नाम देते हैं वो क्या होते हैं आपके, एक तरह के ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक हो गया, तो अब देखें ये आपके न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे। इनका आपकी वो जिसके अंदर ये प्रोडक्शन होती है इसको हम कहते होते हैं ग्रेन्यूलोसाइटोपोइसिस। ठीक होगा, ग्रेन्यूलो साइटो पोइसिस। अब देखें ये जनाब आपके ग्रेन्यूलोसाइट्स पैदा हो रहे हैं। अब जैसे ही ग्रेन्यूलोसाइट्स पैदा होते हैं तो आपने ये कहना होता है कि ये ग्रेन्यूलोसाइट्स पैदा होने से पहले ये जिसके अंदर चेंज होते हैं, इनको जिधर से ये पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं माइलोब्लास्ट। क्या कहते हैं, एक तरह का माइलोब्लास्ट। अब देखें ये आपका एक तरह का माइलोब्लास्ट पैदा हो गया। माइलोब्लास्ट आपके जो सेल्स होते हैं वो जनाब आपके पैदा होते हैं। जैसे ही माइलोब्लास्ट आपके सेल्स पैदा होते हैं तो इसके नतीजे में जनाब आपके न्यूट्रोफिल भी बनता है, आपका असिनोफिल भी बनता है, आपका बेसोफिल भी बनता है। ठीक है, तो आपके जो सेल्स होते हैं वो जनाब आपके ये पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये जनाब आप लोगों ने देखना है कि हाँ जी जनाब कौन कौन से सेल्स होते हैं जो जनाब आपके एक तरह के इसके अंदर पैदा होंगे। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज जो होगी वो डिटेल में साथ साथ बताता भी जाऊंगा। अभी हम रिवीजन भी करेंगे कि हाँ जी जनाब ये किस तरह होता है, फिर मैं आपको एक तरफ डायग्राम भी दिखा दूंगा, उसके बाद प्रोडक्शन उसकी जिस तरह होती है वो भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए हमने क्या देखा। हम लोगों ने जनाब सबसे पहले ये देखा था कि आपके सेल्स की प्रोडक्शन कैसे होती है। हमने जब सेल्स की प्रोडक्शन की बात की तो सबसे पहले हमने द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को समझा कि आपका स्टेम सेल्स, के भाईजान आपके एक तरह के स्टेम सेल्स होते हैं। हमने कहा कि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो जनाब आपके दो पोर्शन के अंदर चेंज होते हैं, जैसा कि माइलोइड स्टेम सेल्स है, जैसा कि लम्फोइड स्टेम सेल्स है। हमने ये सीधा लम्फोइड के नाम से, आपने कहा कि लम्फोइड तरह के जितने भी सेल्स हैं वो जनाब इधर से पैदा होंगे, सिंपल सी बात है। अब लम्फोइड की तरह के जो सेल्स होते हैं वो कौन से हैं, आपने कहना कि सबसे पहले लैम्फोब्लास्ट बनता है। जैसे ही आपका लैम्फोब्लास्ट बनेगा तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि हाँ जी जनाब इसके नतीजे में क्या बनता है, एक तरह के बी सेल, बी लैम्फोसाइट्स, उसके बाद आपके टी लैम्फोसाइट्स, उसके बाद आपके नेचुरल किलर सेल्स। फिर हमने ये कहना है कि बी लैम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं आपके, एक तरह के प्लाज्मा सेल। जो प्लाज्मा सेल होता है वो क्या बनाते हैं आपके, एक तरह का एंटीबॉडी। क्लियर हो गया। टी सेल जो होते हैं ये फर्दर आपके डिवाइड होते हैं, जैसा कि टी हेल्पर, टी रेगुलेटरी सेल, उसके बाद टी साइटोटॉक्सिक सेल, नेचुरल किलर सेल्स, इस तरह। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, हमने इनको देखा कि ये सारे के सारे आपके इधर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं माइलोइड स्टेम सेल्स की तो हमें पता होना चाहिए कि इससे सेपरेट जितने भी सेल्स हैं उनकी सब की जो प्रोडक्शन होगी वो जनाब आपके माइलोइड स्टेम सेल्स से होगी। जैसा कि माइलोइड स्टेम सेल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि आपके एरिथ्रोसाइट्स आते हैं जिनको हमने कहा कि आरबीसी होते हैं। आरबीसी के पैदा होने से पहले होता क्या है कि आपका एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। ये जो एरिथ्रोब्लास्ट होता है ये किसके अंदर चेंज होता है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट के अंदर चेंज होता है। रेटिकुलोसाइट्स जो होगा वो जनाब आपका आरबीसी बनाता है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये जनाब इस तरह करता होता है। उसके बाद आप लोगों ने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब आपका न्यूट्रोफिल और सॉरी आपका प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है। प्लेटलेट्स जो है वो जनाब आपके एक टुकड़े, एक वेजिकल्स होते हैं जो कि जनाब एक बहुत बड़े सेल से पैदा होते हैं जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट।
राइट, तो ये मेगा कैरियोसाइट से पैदा होते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि मेगा कैरियोसाइट्स इटसेल्फ कहाँ से पैदा होते हैं। तो आप लोगों ने कहना है कि मेगा कैरियोसाइट्स इटसेल्फ जो पैदा होते हैं वो मेगा कैरियोब्लास्ट से पैदा होते हैं। तो आपके मेगा कैरियोब्लास्ट पैदा हो गए, तो सबसे पहले आपने कहना मेगा कैरियोब्लास्ट पैदा हो गए, फिर आपके मेगा कैरियोसाइट्स पैदा हो गए, फिर आपके प्लेलेट्स पैदा हो गए, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि ये आपके प्लेलेट्स की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं थ्रम्बोपोइसिस। इसके बाद आपने कहना है कि भाईजान आपके न्यूट्रोफिल होते हैं, असिनोफिल होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, इनको आपने कहना है कि आपके माइलोब्लास्ट भी कहते होते हैं। तो जब इन सेल्स की प्रोडक्शन होगी आपकी, तो आपने कहना है कि न्यूट्रोफिल, असिनोफिल और बेसोफिल जो कि ग्रेन्युलोसाइटोसिस होती है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इस वजह से हम इसका नाम जो दूसरा रखते हैं ग्रेन्युलोसाइटोपोइसिस रखते होते हैं। यहां तक कोई एक ऐसा भी बंदा जिसको किसी पॉइंट एक सिंगल की भी समझ नहीं है वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। एनीवन, शाबाश। ओके बच्चों, अब देखें फॉर एग्जांपल आपके जो सेल्स होते हैं एक रह गया सिंगल, वो कौन सा सिंगल एक सेल रह गया जिसका नाम होता है मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो पैदा होते हैं वो मोनोसाइट से पैदा होते हैं। बच्चों आपने ये कहना होता है कि सबसे पहले मोनोसाइट बनते हैं, मोनोसाइट आपके ब्लड के अंदर होते हैं, यही मोनोसाइट जब आपके टिश्यू के अंदर आते हैं तो आप इसको मैक्रोफेज का नाम दे देते हो। तो आपने कहना है कि जब ये टिश्यू के अंदर आए हैं तो इसको नाम आपका मैक्रोफेज हो जाता है। तो अभी हम डिटेल्ड में अब जाते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना करें ज्यादा। तो सबसे पहले अब हम डिटेल में जाके आपका द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो जनाब आपका न्यूट्रोफिल का है, कि न्यूट्रोफिल क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों न्यूट्रोफिल आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल कभी भी अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, जो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका विच ऑफ फॉलोइंग सेल विल बी द प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन। तो आपने ये कहना है कि जब कभी भी अक्यूट इन्फ्लामेशन होगी, द हॉल मार्क ऑफ द अक्यूट इन्फ्लामेशन इज द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रोफिल। तो आप ये कह सकते हो कि अगर तो वहां पे न्यूट्रोफिल है, समझ आ रही है, न्यूट्रोफिल वहां पे मौजूद है, तो वो ये शो कर रहा है कि भाईजान आपकी अक्यूट इन्फ्लामेशन ही चल रही है। क्लियर है बच्चों, शाबाश। तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, यहाँ पे आपकी एक तरह की आपकी अक्यूट इन्फ्लामेशन ही चल रही है। जब भी कहीं भी आपकी अब्सेस है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब्सेस अगर मौजूद है तो अब्सेस की वजह से भी वहां पे आपके कौन से सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होगी। तो आपने कहना है कि अगर किसी जगह पे अब्सेस है, किसी जगह पे ये सारा कुछ पाया गया है, तो वहां पे भी आपके न्यूट्रोफिल जो होंगे उन सेल्स की जो प्रोडक्शन होगी वो पीक लेवल पे होगी, प्रेजेंस जो होगी वो पीक लेवल पे होगी, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आप लोगों ने ये कहना होता है कि अगर कभी ये भी पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर जो आपके जो सेल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन का मैकेनिज्म रोल अदा करते हैं, तो वो भी आपने क्या बताना है, न्यूट्रोफिल ही बताना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी बंदे को, क्या एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी बंदे को, तो वहां पे कौन से सेल्स होंगे, तो आपने कहना है न्यूट्रोफिल, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है कि वायरल इन्फेक्शन है किसी को, तो वहां पे जो फर्स्ट लाइन के तौर पर रोल अदा करता है, तो आंसर क्या होना, शाबाश। अगर किसी के आ जाता है कि वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके वहां पे कौन से आपके सेल्स होंगे, तो वहां पे आप क्या बताओगे, तो आप लोगों ने ये कहना होता है कि वायरल इन्फेक्शन के अंदर आपके जो सेल्स रोल अदा करते हैं वो लेम्फोसाइट्स होते हैं। वेरी गुड तस्वीर, शाबाश। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आप कौन से होंगे, आपके एक तरह के लेम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर एक स्पेसिफिक तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब इन स्पेसिफिक तरह के ग्रेन्यूल्स के अंदर एक स्पेसिफिक तरह के इंजाइम्स पाए जाते हैं। तो आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इट कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स विच हैव द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एंजाइम विच एक्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो आपको पता चला कि यार ये जो है वो आपके स्पेसिफिक तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये जो स्पेसिफिक तरह के ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर आपका एक तरह का, मतलब कि आपने ये कहना होता है कि यार ये एक तरह का स्पेसिफिक, अच्छा आपके जो स्पेसिफिक तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक तरह के आपके इंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अब ये जो स्पेसिफिक तरह के जो इंजाइम है वो कौन से हैं, वैसे इनमें से क्वेश्चन नहीं आया कभी, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार जो इंजाइम है ना वो देख लीजिएगा कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फाटेज इंजाइम, LAP, ल्यूकोसाइटिक अल्कलाइन फास्फाटेज इंजाइम, ठीक हो गया। कोलिजिनेज इंजाइम, कोलिजिनेज इंजाइम, उसके बाद लाइसोजाइम इंजाइम,
उसके बाद जनाब आपने कहना अजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स है, कौन से आपके, एक तरह के अजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स है, ये जनाब आपके हो गए। उसके बाद जनाब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स का जो दूसरा नाम होता है वो ये होता है कि ऐसे ग्रेन्यूल्स जिनके अंदर लाइसोसोम जो होते हैं वो जनाब पाए जाते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर जनाब आपके जो एंजाइम्स हैं जैसा कि प्रोटीनेजेस एंजाइम, फास्फाटेजेस एंजाइम, परोक्सीडेज, माइलोपरोक्सीडेज एंजाइम, तो इसको हम ये कहते होते हैं अजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स।